वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो टॉपिक पढ़े जा रहे हैं वो है आयंस। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही आप फ्यूचर में भी जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये जो कंसेप्ट है वो काम देगा। इसीलिए आप इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। इसके साथ ही जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर आज न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिनको भी इस वीडियो की PDF चाहिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट आर आयंस? द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन एन आयन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड आयन। तो आयन क्या होते हैं? किसी एटम पे जो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो चार्ज होता है, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आयन्स कहते हैं। जैसे कि ये सोडियम आयन है, ये इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज होता है? Na+। उसी तरह से क्लोराइड आयन, इस पे क्या कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव होता है। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं? Cl- के रूप में। अब इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम लिया है। इस डायग्राम में ये जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, ये है, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है एटम से। और मैंने आपको बताया था कि जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं? एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो पार्टिकल होते हैं किसी मॉलिक्यूल के, किसी एलिमेंट के। लेकिन एटम खुद भी क्या होते हैं? एटम जो है वो 3 तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर बने। सो ये 3 टाइप्स के पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं इसे हम देख लेते हैं। तो इसमें जो प्रोटॉन एटम जो होता है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो प्रोटॉन होता है उस पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसके बाद जो न्यूट्रॉन होता है ये क्या होता है? ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है। इस पर ना तो पॉजिटिव ही चार्ज होता है और ना ही निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए क्या हो जाता है? यह न्यूट्रल पार्टिकल हो जाता है। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो इन 3 तरह के पार्टिकल से मिलकर क्या होता है? एक एटम बना हुआ होता है। अभी आयंस बनते किस तरह से हैं इस कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये एटम ही है, ये एटम को शो किया गया है। तो हमने अभी देखा कि एटम किससे मिलकर बने होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो जो एटम होता है बेसिकली वो क्या होता है? उसमें जो जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही निगेटिव चार्ज होते हैं, इसीलिए जो एटम होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर एटम जो है, अगर एक इलेक्ट्रॉन, और जो कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो अगर एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या हो जाता है? उसकी जो निगेटिविटी होती है वो कम हो जाती है और प्रोटोन के जो नंबर्स होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, और यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। इसीलिए ये जो हो जाता है पार्टिकल वो कैसा हो जाता है? इसको बोलते हम जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसको बोलते हैं हम कैटायन। उसी के अपोजिट अगर इसमें क्या होता है कि अगर एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या हो जाता है? उस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, और नेगेटिवली जो चार्ज एटम है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एनायन। तो अब ये जो एटम है जो कि न्यूट्रल होता है, उसको क्या जरूरत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, इलेक्ट्रॉन को लूज करे? तो एटम ऐसा इसीलिए करता है, इसका यह रीजन है, तो क्योंकि यह अपनी जो है स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहता है। फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी एटम्स लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है एटम जो है स्टेबिलिटी को पाने के लिए क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एटम जो है इसकी स्टेबिलिटी इसको कैसे मिलती है? तो इसके लिए एक डायग्राम बनाया गया है, इसे आप देख लो। सपोज स्टूडेंट्स, दिस इज अन एटम। तो ये जो एटम है इसके जो सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या होते हैं? ये सर्कल जो शेप में आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये एनर्जी शेल्स होते हैं। तो ये जो एनर्जी शेल्स होते हैं इसी में क्या होते हैं? जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं वो घूमते रहते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है ये इस तरह से घूमते रहते हैं। तो जो न्यूक्लियस के सबसे सेंटर में जो सबसे पास जो शेल होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे के शेल कहते हैं। और यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसके बाद इसके जो बाहर जो शेल होती है उसे कहा जाता है एल शेल। और यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन के 8 हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं अगर ये एटम को स्टेबिलिटी प्राप्त करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट शेल होती है वो होती है एम शेल। और यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका नंबर कितना होता है? मैक्सिमम 18। इसके बाद जो बाहरी है ये शेल, इसे बोलते हैं एन शेल। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? 18 है। तो एक एटम जो है उसको जितनी भी स्टेबिलिटी प्राप्त करनी है तो उसके जो है सबसे बाहरी शेल में कितने होने चाहिए? 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18 और उसके बाद 18।
इसे हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने सोडियम लिया है। सोडियम जो आप जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? प्रोटॉन का जितना भी नंबर होता है किसी भी एलिमेंट में उसे क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो जो सोडियम होता है उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो इसका जो कन्फिग्रेशन होता है वो किस तरह से इसको शो किया जाता है? इसको लिखा जाता है 2 8 1, यानी कि इसके जो सबसे जो न्यूक्लियस के पास जो ये थी शेल, उसमें मैक्सिमम हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद वाले शेल में 8, और बाहर इसके कितने हो जाते हैं? 1 हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कि इसको स्टेबिलिटी लेनी है तो इसके बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा? ये लूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन का लूज कर देता है, जिससे कि इस पर क्या हो जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन जब चला जाता है यानी कि निगेटिविटी इसकी खत्म हो जाती है, तो इसमें क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? स्टेबिलिटी जो इसका कन्फिग्रेशन है वो हो जाता है 2 8। उसी तरह से अगर हम क्लोरीन का हम एक एटम ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 7। ये सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी आप सिर्फ जो है बेसिक कंसेप्ट जो है अपने क्लियर कीजिए। तो जैसे क्लोरीन का हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हो जाएगा 2 8 7। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाहरी जो है ये शेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। जबकि यहाँ पर होने कितने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? 8 होने चाहिए। तो ये क्या होता है? क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, जिससे यहाँ पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है क्लोरीन के ऊपर। इसीलिए सीएल जो होता है वो किस तरह से लिखा जाता है? माइनस, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, इसीलिए सीएल माइनस लिख देते हैं। और इसका जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाता है? 2 8 8। सो स्टूडेंट, इस तरह से हमने देखा कि कोई भी मेटल हो गया या फिर नॉन मेटल जो है वो किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, और इस तरह से जो है एक आयन जो है वो फॉर्म होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है? आयनिक कंपाउंड्स। सो व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स? व्हेन आयन्स विद अपोजिट चार्जेस बाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। तो जो जो आयन होते हैं, हमने पढ़ा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन्स होते हैं, जब वो एक साथ जो है बाइंड करते हैं तो क्या बनाते हैं? जिस तरह का जो कंपाउंड बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और आयनिक कंपाउंड किस लिए कहेंगे? क्योंकि जो है जो ये आयन्स होते हैं वो ज्वाइन करके जो है जो बॉन्ड बनाते हैं, और उसके बाद जो कंपाउंड बनता है वो क्या कहलाता है? आयनिक कंपाउंड कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम NaCl का हम फॉर्मेशन देख लेते हैं, तो हमको पता है कि जो सोडियम है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 2 8 1। तो इसके जो बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? सोडियम स्टेबिलिटी जो है इसको प्राप्त करना है, इसके लिए गेन करना है, इसके लिए क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। उसी उसके अपोजिट जो क्लोरीन है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 2 8 7, यानी कि इसका जो बाहरी शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या करता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेता है और ये दोनों जो है वो बाइंड करके एक कंपाउंड बना लेते हैं, और इस तरह से NaCl बन जाता है। तो क्या हो जाता है? सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसीलिए इस पर क्या आ जाता है? एक कैटायन आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसी तरह से क्लोरीन जो है जिस पर कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए किस तरह से लिखा जाता है इसको? सीएल माइनस। इसी तरह Na और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि जो है एक एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या होता है? साझा होता है। इसीलिए ये जो है इसको इस तरह से भी लिखा जाता है NaCl को। तो इस तरह से NaCl का ये आयनिक कंपाउंड जो है उसका फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं आयनिक कंपाउंड्स के, आप बुक में से सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने आयन्स और आयनिक कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ा, और मुझे लगता है आप लोगों के कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे जरूर पूछिए, वहाँ पर आपके डाउट जरूर क्लियर किए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी न्यू वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।